भोपाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 130वीं वर्षगांठ पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ मौजूद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के होर्डिंग पर विवाद, छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज को दिल्ली का सरकारी स्कूल बताया, न्यूज स्टेट के फैक्ट चेक में दावा झूठा। पीएससी की ऑनलाइन परीक्षा की फीस दोगुनी, अब सामान्य वर्ग को 1200 की जगह देने होंगे 2500 रुपए, आरक्षित वर्ग को देने होंगे 1250 रुपए। मध्य प्रदेश में 7000 करोड़ का निवेश करेगा हिंदुजा ग्रुप, ट्रक निर्माण की इकाई लगाने का ऐलान, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव ने दी जानकारी। खेल मंत्री जीतू पटवारी और मंत्री जयवर्धन सिंह ने इंदौर के लोगों को 5 नई ई बसों की सौगात दी, जीतू पटवारी बोले ई बसें पेट्रोल और डीजल की खपत को कम कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे। जीतू पटवारी ने राव विधानसभा क्षेत्र में 54 लाख की नर्मदा पाइपलाइन परियोजना का किया शिलान्यास, सरकार की गहरी उपलब्धियां, कहा इस योजना से शहर के लोगों को साफ पानी मिलेगा। कमलनाथ सरकार का सिख समाज को एक और तोहफा, करतारपुर साहिब मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना में शामिल। प्रहलाद लोधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी एमपी सरकार, आज दायर होगी एसएलपी, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। गांधी परिवार के स्पीडी सुरक्षा हटाने का मामला, ग्वालियर हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई, हाल ही में घटाई गई थी गांधी परिवार की सुरक्षा। गुना में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत का मामला, श्रम मंत्री महेंद्र सिंह ने सीएमएचओ को कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा जनता की जान सबसे महंगी है। मध्य प्रदेश में डेंगू ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, भोपाल में 4 दिन में 84 और मरीज मिले, इस साल अब तक भोपाल में 1200 से ज्यादा तो ग्वालियर में 500 लोगों में डेंगू पॉजिटिव मिले। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गृहनगर राजगढ़ में बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले, दिग्विजय सिंह ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को लिखा खत, लगातार बढ़ रहे कैंसर के मामलों को बताया गंभीर। सीधे जिला अस्पताल में जलाई गई दवाएं, टैबलेट इंजेक्शन की जलाई गई होली, कई दवाओं की एक्सपायरी डेट अभी खत्म भी नहीं हुई थी। एमपी के 6 जिले बिजली बिल जमा करने में फिसड्डी, जिलों के लिस्ट में भोपाल सबसे ऊपर, भिंड मुरैना शिवपुर भी बदनाम, समय से बिजली बिल नहीं जमा करने में बदनाम। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री से करेंगे मुलाकात, राष्ट्रपति कोविंद से होने वाली मुलाकात रद्द। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी सांसदों को लिखी चिट्ठी, संसद के इस शीतकालीन सत्र में राज्य हित से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ सरकार विशेष अभियान चलाकर करेगी 6 लाख बच्चों का नेत्र परीक्षण, आज से स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी आंखों की जांच। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासी तकरार जारी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर बिचौलियों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, 15 नवंबर को बीजेपी का धरना। पीजी डिग्री के मामले में पुनीत गुप्ता की बढ़ सकती है मुश्किलें, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल जल्द करेगा फैसला, जांच रिपोर्ट में फर्जी तरीके से मेडिकल डिग्री लेने का किया दावा। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित, राज्य सरकार ने एनआईए की जांच को दी है चुनौती।